बिहार हिंसा की आग से धधकता रहा और धर्म के नाम पर सासाराम और बिहार शरीफ जलता रहा। वहीं पटना में सीएम नीतीश कुमार टोपी पहने इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, लेकिन उनकी इफ्तार पार्टी अब सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार की शाम फुलवारी शरीफ स्थित इस्लामिया बीएड कॉलेज में दावत इफ्तार में शामिल हुए थे। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने अपने इफ्तार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था। इफ्तार पार्टी के मंच पर जहां नीतीश बैठे थे, ठीक उनके पीछे दिल्ली के लाल किले का पोस्टर लगा नजर आया, जो अब सुर्खियां बन गया है। दरअसल इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के पीएम पद की दावेदारी के रूप में देखा जा रहा है। इस दौरान ये मैसेज भी दिया जा रहा था कि लाल किले पर झंडा फहराने की बारी अब नीतीश कुमार की है। लाल किला से तो पीएम पद का नाता तो है ही, लेकिन यहाँ के लोगों ने क्यों लगाया है, हम लोगों ने इसको चैलेंज के तौर पे कबूल किया है कि नीतीश कुमार जी देश को लीड करेंगे, नीतीश कुमार जी विपक्ष को एकजुट करेंगे और नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से मुक्त देश में एक सरकार देंगे। हमारी तो बहुत दिली ख्वाहिश है और यहाँ के सभी लोगों की, बिहार के 14 करोड़ लोग चाहते हैं कि हमारा लाल, हमारा बेटा जो है ना प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन हालात कैसे होते हैं देखना पड़ेगा। वहीं अब इस पूरे मामले पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी चुटकी लेते नजर आए। लाल किला क्यों, इनको तो चाहिए कि व्हाइट हाउस का की तस्वीर लगा दें, उसके सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाएं, लगाएं, ताकि उनके लोग खालिद अनवर दावा कर सकें कि भारत के प्रधानमंत्री तो क्या वो तो इतने सक्षम है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी हो सकते हैं। आपको बता दें सोमवार को पटना के फुलवारी शरीफ में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें नीतीश कुमार वित्त मंत्री विजय चौधरी के साथ पहुंचे थे। इस इफ्तार पार्टी के बैकग्राउंड में लाल किले का बड़ा सा पोस्टर लगाया गया था। इफ्तार के मंच और पोस्टर के जरिए ये संदेश दिया गया कि जेडीयू के पीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार ही हैं। जेडीयू के कार्यकर्ता नेता लंबे समय से नीतीश के द्वारा 2024 में लाल किले से झंडा फहराने का दावा कर रहे हैं। हाल ही में पटना में भी नीतीश का लाल किले के साथ पोस्टर नजर आया था, जो कि चर्चा का विषय बन गया था। बहरहाल जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नीतीश कुमार का विपक्षी पीएम कैंडिडेट की दावेदारी पुरजोर होती जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।